औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यूनिट नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, एग्जांपल नंबर 8.2, ब्रिज इंजीनियरिंग। स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द स्टील, जिसका हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा इज इक्वल टू 12 × 10⁻⁶ केल्विन। बेड ऑफ द सस्पेंशन ब्रिज, जिसपे हमने सस्पेंशन ब्रिज के लिए जो हमने यूज किया है, वो हमारे पास है 200 मीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द extreme of temperature to which it might be exposed are -5 degree Celsius and 50 degree Celsius, how much it will contract and expand। कि अगर हम इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर पर ले आए कि -5 डिग्री पे रख ले या 50 डिग्री सेल्सियस पे रख ले, तो हमारे पास ये कितना कंट्रैक्ट करेगा और कितना एक्सपेंड करेगा। तो सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में है कि गिवन है, जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, तो गिवन में हमारे पास क्या क्या मेंशन है? गिवन में हमारे पास है ओरिजिनल लेंथ, एल ओ दैट इज 200 मीटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल, जो हमारे पास डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटीरियल पे। तो इसी वजह से हर एक मटीरियल के लिए हमारे पास ये क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्टील इन्होंने दिया हुआ है, वो हमारे पास है 12 × 10⁻⁶ K फिर हमें दिया हुआ है रेफरेंस टेम्परेचर, जिस पर इनिशियली वो हमारे पास पड़ा हुआ था। रेफरेंस टेम्परेचर वो हमारे पास है TO इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। फिर दो टेम्परेचर इन्होंने फर्दर मेंशन किए हुए हैं कि जिस पर हम इसको रखेंगे, जिसको इन्होंने एक्सट्रीम टेम्परेचर का नाम दिया हुआ है, कि उस पर हमारे पास ये कितना कंट्रैक्ट करेगा और कितना हमारे पास ये एक्सपेंड करेगा। तो -5 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास कंट्रैक्शन होगी और -50 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। तो अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कि हमने चेंज इन लेंथ को फाइंड करना है। तो चेंज इन लेंथ अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर हमारे पास होगी, तो हमारे पास एक जगह पर कंट्रैक्शन होगी, तो वो भी हमारे पास चेंज इन लेंथ होगा, जिसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंशन होगी, तो वो भी हमारे पास चेंज इन लेंथ होगी, जिसको हम L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम टेम्परेचर T1 के लिए फाइंड करते हैं। सोल्यूशन प्लस फार्मूला में आ जाएंगे हमारे पास। इसको हम 1 यहाँ पर लिख लेंगे या A हम लिख लेंगे कि हम फर्स्ट 1 के लिए फाइंड करवा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज T-T0। तो हमारे पास ΔT इज इक्वल टू, जो हमारे पास फर्स्ट टेम्परेचर हमने लिया है, दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस एंड -20 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था, उसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम यहाँ पर बुक में देख लें, तो बुक में इन्होंने मेंशन किया हुआ है हमारे पास है कि When the temperature decreases to -5 degree, the temperature change in temperature is given by this. तो हमारे पास ये आ गया -5 degree and -20 degree से, तो 25 degree Celsius हमारे पास आ गया। Since the change in temperature is same in Celsius and Kelvin scale, therefore -25 degree Celsius is equal to -25 Kelvin. The linear thermal expansion. अच्छा, तो यहाँ पर अब इन्होंने -25 degree Celsius को -25 Kelvin से शो किया हुआ है कि हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इक्वल है 25 केल्विन के। तो अब हमारे पास हम यहां पर लिख सकते हैं कि -25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -25 केल्विन। अब हमारे पास इसके दो रीजंस हैं। एक इसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दूसरा हमारे पास इसका रीजन है
अच्छा, फर्स्ट वन रीजन हमारे पास क्या है कि ये किस तरह से -25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 25 केल्विन, तो वो हमारे पास है कि हमारे पास जो दोनों सेंटीग्रेड का जो स्केल है और केल्विन का जो स्केल है उनमें हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट इज सेम, दोनों में 100-100 डिवीजन है, तो इसी वजह से हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन पर जो वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास सेम होती है, तो इसी वजह से हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे पास 25 केल्विन के ही बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी दूसरा जो हमने कहा कि इसका किस तरह से आ रहा है, तो वो हमारे पास फुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास है कि इनिशियल टेम्परेचर जो हमने लिया था वो हमारे पास कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गया जिसको हमने लिया है, वो हमारे पास -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। दोनों को बारी बारी केल्विन में कन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास फर्स्ट के लिए हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम आई लिख लेंगे टी ऑफ सी प्लस 273 हमारे पास सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टी ऑफ के आई। आई में इस 21 डिग्री सेल्सियस के लिए शो कर रही हूँ जो इनिशियल टेम्परेचर है, तो यहाँ पर हमारे पास 20 आ जाएगा प्लस 273, तो टी ऑफ के आई इज इक्वल टू 293 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टी ऑफ के आई इज इक्वल टू 293 केल्विन, ये हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास -5 है, तो उसको भी कन्वर्ट कर देंगे टी ऑफ सी प्लस 273, तो हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ के एफ इज इक्वल टू -5 प्लस 273, तो ये हमारे पास आ जाएगा 268, टी ऑफ के एफ इज इक्वल टू 268 केल्विन। अब इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास डेल्टा टी इज इक्वल टू टी ऑफ के माइनस टी ऑफ आई, तो टी ऑफ के हमारे पास किस चीज के बराबर हो गया, 268 के, और माइनस दूसरा हमारे पास टी ऑफ आई इज 293, तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू -25, ये भी केल्विन और ये भी केल्विन, तो -25 केल्विन के बराबर आ गया है, तो इसी वजह से हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -25 केल्विन। अब फार्मूला हमारे पास क्या है चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए, वो हमारे पास है डेल्टा एल वन। वन मैंने क्यों लिखा है, ताकि दोनों के लिए हमने फाइंड करना है, तो हमें डिफरेंस का पता चल सके, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी वन। अब अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, एल नॉट की वैल्यू भी गिवन है, और डेल्टा टी की वैल्यू भी गिवन है, इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 12 × 10⁻⁶ केल्विन इनवर्स मल्टीप्लाइड 200 मीटर एंड मल्टीप्लाई -25 केल्विन। केल्विन केल्विन इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इनकी कैलकुलेशन मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आ रहा है -6 × 10⁻²⁰ मीटर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एल वन इज इक्वल टू -6 × 10⁻²⁰ रिप्रेजेंट सेंटी, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर हो गया। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट विद डिक्रीज इन टेम्परेचर हमारे पास लेंथ में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है -6 सेंटीमीटर। इसका पार्ट टू हमारे पास को हम बी लिख लेते हैं, वो भी हमारे पास पहले हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी ऑफ 2 − t0, तो अब हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है, 50 डिग्री का है, तो 50 − 20, तो हमारे पास डेल्टा टी टू इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 केल्विन। सेम इसी तरह का प्रोसेस हम करेंगे, तो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 केल्विन आ जाएगा। अब वही लेंथ के लिए हमारे पास वही वाला फार्मूला है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल टू इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी टू। अब सेकेंड टेम्परेचर है, तो इसी वजह से हमने 2 लिख लिया इसके साथ। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास वही है, 12 × 10⁻⁶ केल्विन इनवर्स मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ भी हमारे पास वही 200 मीटर है, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो गया है, वो हमारे पास है 30 केल्विन।
केल्विन इनवर्स और केल्विन हमारे पास कैंसिल हो गया, डेल्टा एल टू इज इक्वल टू, ये हमारे पास सॉल्व करने से आ रहा है 7.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं कि एल टू इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, पहले हमारे पास कम हुआ था तो हमारे पास डिक्रीज इन लेंथ आ रहा था, अब हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर आया है 50 केल्विन हो गया है, तो हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ भी आ रहा है। तो टोटल रेंज ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट मस्ट बी अकोमोडेट इज कि हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर के जॉइंट्स मस्ट अकोमोडेट, कि हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट को अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास जो टोटल लेंथ चाहिए वो कितनी है 13.2 सेंटीमीटर। ये द टोटल रेंज ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट मस्ट अकोमोडेट इज 7.2 प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप लोग के पास है असाइनमेंट नंबर 8.2, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। द लेंथ ऑफ बार ऑफ सर्टेन मेटल इज 60 सेंटीमीटर। अब लेंथ यहां पर हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में गिवन नहीं है, तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये बात हमेशा याद रखें कि जहां पर आप लोग के पास यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा उसको हम पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड में आ जाएगा, तब हम वही वाला स्टैंडर्ड कैलकुलेशन को यूज करेंगे फर्दर। व्हेन बार इज हीटेड फ्रॉम 8 डिग्री सेल्सियस टू द 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इस बार को जो लेंथ है हमारे पास एक मेटल बार है उसको हम 8 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दे, तो इट्स लेंथ बिकम्स 60.127 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ में हमारे पास क्या आ गया है, इंक्रीज आ गया है। ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मेटल, कि हमारे पास कौन सा मेटल यहाँ पर यूज हुआ है, पहले हम उसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। तो अगर हम टेबल हमारे पास गिवन है उस टेबल में हम चेक कर लें, तो हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आ जाएगा कि शो कर देगा कि हमने कौन सा मेटल यूज किया है। तो सॉल्यूशन की तरफ चल बढ़ते हैं। अच्छा, गिवन में हमारे पास आ जाएगा इनिशियल लेंथ, जो हमारे पास है एल नॉट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास 0.6 मीटर आ रहा है, डिवाइड बाय 100 कर लें। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो इन्होंने दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, इनिशियल टेम्परेचर इज टी नॉट इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर जिन्हों इन्होंने दिया हुआ है कि इसको हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं तो हमारे पास फिर इंक्रीज इन लेंथ आ रहा है, तो वो हमारे पास कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो फाइनल लेंथ आ गई है इस टेम्परेचर में इंक्रीज के बाद, वो हमारे पास क्या है, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 60.127 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 0.60127 मीटर। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास यहां पर आ जाएगा फार्मूला प्लस सॉल्यूशन। अच्छा, फार्मूला प्लस सॉल्यूशन में हमारे पास यहां पर आ जाएगा फार्मूला, हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। अब इक्वेशन तो हमने यही यूज करना है, लेकिन डेल्टा एल और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले वो हम फाइंड कर लेंगे। डेल्टा एल इज इक्वल टू हमारे पास है एल माइनस एल नॉट, तो वो हमारे पास आ जाएगा फाइनल लेंथ कितना है 0.60127
मीटर माइनस 0.6 मीटर। तो हमारे पास डेल्टा एल आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू वो हमारे पास आ जाएगा 0.00127 मीटर। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है टी माइनस टी नॉट, तो हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वो हमारे पास आ रहा है 92 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको 92 डिग्री केल्विन भी लिख लें तो वो भी हमारे पास ठीक होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल हमारे पास किस चीज के बराबर है 0.00127 मीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एल नॉट जो हमारे पास कितना है 0.6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 92। ठीक है, तो मीटर मीटर हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं तो फिर हमारे पास सेंटीग्रेड इनवर्स आएगा, तो यहाँ पर हम केल्विन ले लेते हैं क्योंकि केल्विन हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है तो हम केल्विन वाला लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन से आ जाएगा, कैलकुलेशन से हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.00127 डिवाइडेड बाय 55.2 केल्विन। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स। ये हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 212 एंड 213। सबसे पहले हम आ जाते हैं एनामोलस के मीनिंग की तरफ, के एनामोलस का मतलब क्या है हमारे पास। एनामोलस मीन्स अनयूजुअल, अनयूजुअल। ठीक है, या हम इस एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को हम कह सकते हैं इररेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर। अब इररेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे पास जो है हम ले लें तो हीटिंग पे हमारे पास क्या होती है कि हीटिंग पे हमारे पास तमाम चीजें क्या हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं। ठीक है, और कूलिंग पे हमारे पास क्या होता है, कूलिंग पे हमारे पास तमाम चीजें जो है वो क्या हो जाती है, वो कंट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा पानी हम ले लेते हैं कि हमारे पास वाटर है। ठीक है, ये मैं वाटर ले लेती हूँ, ये मेरे पास वाटर हो गया, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया है, इसको हमने कूल कर दिया है, इसको हमने कूल डाउन कर दिया है। ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पर जो हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो हमारे पास होता है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ये पानी पड़ा हुआ है। अब हमने क्या किया कि 20 डिग्री सेल्सियस से हमने इसको, इसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया है, हमने इसको कूल डाउन कर दिया है। तो जैसे ही हमने कूल डाउन किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वाटर क्या हो गया, कंट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास टेम्परेचर कितना आ गया, 4 डिग्री सी तक वाटर हमारे पास क्या हो गया, कंट्रैक्ट हो गया। अब फर्दर अगर हम इसका टेम्परेचर और कम करते हैं तो हमारे पास 0 डिग्री सी पर जब वाटर वापस पहुंचता है तो हमारे पास 0 डिग्री सी पर वाटर क्या हो जाता है, 0 डिग्री सी पर वाटर हमारे पास एक्सपेंड हो जाता है, दोबारा एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम इसको मजीद कूल डाउन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। क्रिस्टल मींस कि हमारे पास क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। ठीक है, अब
वाटर को हमने लिया, उसको हमने टेम्परेचर कम किया तो हमारे पास वो कूल डाउन हो गया, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल बिहेवियर है, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मल बिहेवियर हमारे पास किस तरह से कि इससे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास देखें कूलिंग पे क्या होता है कि तमाम की तमाम चीजें हमारे पास कूलिंग पे कंट्रैक्ट हो जाती हैं, और हीटिंग पे क्या होती हैं, हीटिंग पे हमारे पास एक्सपेंड हो जाती हैं। तो यहां से हमने वाटर को लिया, उसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो वाटर हमारे पास क्या हो गया, कंट्रैक्ट हो गया। अब यहां तक तो वाटर ने हमें नॉर्मल बिहेवियर शो किया है, लेकिन 4 डिग्री सी पर पहुंच कर अब वाटर ने हम मजीद इसका टेम्परेचर कम करवा रहे हैं, लेकिन 4 डिग्री सी से अगर इसका टेम्परेचर मजीद कम हुआ है तो वाटर क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सपेंड हो रहा है। अब यहां पर वाटर हमारे पास क्या शो कर रहा है, वाटर हमारे पास यहां पर पिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है। पिकुलर मींस डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, नॉर्मल से हट के बिहेवियर हमारे पास शो कर रहा है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है, वाटर हमारे पास क्या कर रहा है, एक्सपेंशन शो कर रहा है। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि हमारे पास 0 डिग्री सी टू 4 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या करता है, वाटर हमारे पास कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, 0 डिग्री सी से हमने टेम्परेचर 4 डिग्री सी तक राइज किया तो वाटर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कंट्रैक्ट हो गया। अब 4 डिग्री सी से हम फर्दर इसको 100 डिग्री सी की तरफ लेकर आ रहे हैं तो ये क्या शो करेगा, ये हमारे पास एक्सपेंशन शो करेगा। ठीक है, अब यानी कि 4 डिग्री सी तक वाटर हमारे पास क्या रहा, कंट्रैक्ट रहा, और जितना 4 डिग्री सी से जैसे इसका टेम्परेचर हमारे पास जो है वो इंक्रीज हुआ तो वो उसने क्या ना शो कर दिया, एक्सपेंशन शो कर दी है। अब अगर हम कन्वर्सली देख रहे हैं तो कन्वर्सली हमारे पास क्या होता है कि 100 डिग्री सी पर वाटर हमारे पास है तो 100 डिग्री सी से लेकर 4 डिग्री सी तक वो वाटर हमारे पास क्या शो कर रहा है, वो हमारे पास अब 100 डिग्री सी से हम उसका टेम्परेचर कम करवा रहे हैं तो वाटर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास कंट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन 4 डिग्री सी टू 0 डिग्री सी वाटर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास क्या होता है कि 0 डिग्री सी टू 4 डिग्री सी हमारे पास जो टेम्परेचर है वहां पर हमारे पास वो कंट्रैक्ट ही रहता है, लेकिन अब 4 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी वो हमारे पास क्या शो करता है, एक्सपेंशन शो करता है। लेकिन वाटर के केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि 100 डिग्री सी टू 4 डिग्री सी वो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास 4 डिग्री सी तक जब उसका टेम्परेचर जाता है तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन 4 डिग्री सी से फर्दर उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो हमारे पास क्या शो करता है, एक्सपेंशन शो करता है। अब 4 डिग्री सी पर हमारे पास क्या होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट विद लेस एनर्जी, वाइब्रेट विद लेस एनर्जी। अब लेस एनर्जी के साथ वो क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जैसे ही टेम्परेचर कम होगा हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे पहले इंक्रीज का पढ़ लेते हैं, इंक्रीज होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास इंक्रीज होगी। सेम जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, वो भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास डिक्रीज हो रही है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास हायर टेम्परेचर हॉट वाटर की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कूल वाटर, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, उनकी वाइब्रेशन कम हो जाएंगी, वो हमारे पास लेस एनर्जेटिक शो करेंगे, लेस एनर्जी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास मिनिमम वॉल्यूम है वाटर का, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया है, मिनिमम हो गया, क्योंकि हमारे पास कंट्रैक्शन शो कर दिया इसने, तो हमारे पास जो चीज कंट्रैक्ट होती है तो उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब हमने पढ़ा था कि डेंसिटी हमारे पास क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो अब अगर इसका वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इसकी इंक्रीज होगी। तो 4 डिग्री सी पर हमारे पास डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है, 4 डिग्री सी पर हमारे पास इसकी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, 4 डिग्री सी पर हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है,
अब 0 डिग्री सी पर हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम क्योंकि एक्सपेंशन शो कर रहा है। और 0 डिग्री सी पर हमारे पास इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमारे पास इसकी मिनिमम हो जाएगी, डेंसिटी इज मिनिमम, डेंसिटी हमारे पास मिनिमम हो गई है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एट जीरो डिग्री सी हमारे पास आइस इज लेस डेंस देन वाटर, कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास आइस जो है वो कम डेंसर है एज कम्पेयर टू द वाटर। अब हमारे पास ये तमाम जो हमने पढ़ा कि हमारे पास वाटर जो है वो पिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है, तमाम चीजों से वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, वो क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास वाटर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो वो जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। ठीक है, अब वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो हमारे पास बन गया है, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास वाटर अपना पिकुलर बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, तो ड्यूरिंग फ्रीजिंग हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरिंग फ्रीजिंग वाटर मॉलिक्यूल लूज एनर्जी एंड डू नॉट वाइब्रेट वाइब्रेट आर मूव एज वेगोरसली। अब ये वेगोरसली मूव क्यों नहीं, हमारे पास क्या होते हैं कि इनकी एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी लूज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फिर वाइब्रेट करना छोड़ देते हैं। दिस अलाउज हमारे पास क्या होता है कि दिस अलाउज मोर स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या हो जाता है कि इसके रिजल्ट में जो एनर्जी लूज करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग हमारे पास क्या हो जाती है, और भी स्टेबल हो जाती है, मजबूत हो जाती है, टू फॉर्म बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास क्या हो जाती है, स्टेबल बॉन्डिंग हो जाती है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब स्टेबल बॉन्डिंग हो गई है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एज देयर इज लेस एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड सो वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, कि हमारे पास क्या होता है कि वाटर हमारे पास फ्रीजिंग के साथ साथ एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। अगर हम ग्राफ में देख लेना, तो अगर हम ग्राफ बनाए उसका टेम्परेचर के दरमियान और वॉल्यूम के दरमियान, तो अगर हमारे पास यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस पर हम ले लेना, तो 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास मिनिमम वॉल्यूम होता है, तो ग्राफ हमारे पास इस तरह से आ रहा है। और अगर यही ग्राफ हम ले ले टेम्परेचर और डेंसिटी के दरमियान, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, वो हमारे पास मैक्सिमम आ रही है, 4 डिग्री सी पर हमारे पास क्या हो रही है, डेंसिटी मैक्सिमम आ रही है। इधर एक दफा दोबारा इसको देख लेते हैं कि हमारे पास हमने क्या पढ़ा कि एनामोलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में हमने क्या पढ़ा। एनामोलिस का मतलब क्या है, एनामोलिस मींस अनयूजुअल, जो चीज हमारे पास तवक्को से के खिलाफ होती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, अनयूजुअल। इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं इररेगुलर बिहेवियर ऑफ द वाटर। इररेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर किस तरह से है कि हमारे पास
जितनी भी चीजें हमारे पास हैं वो हमारे पास हीटिंग पे क्या होती है, एक्सपेंड होती है। कूलिंग पे क्या हो जाती है, कूलिंग पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब कूलिंग पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। और एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारे हमने ले लिया वाटर को, ठीक है। वाटर के अंदर ये इसके मॉलिक्यूल हैं, हमने 20 डिग्री सेल्सियस पर या 25 पे या 27 पे, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पर हमने वाटर को ले लिया है। अब हमने वाटर को क्या कर दिया, हमने वाटर को कूल डाउन कर दिया। तो जैसे ही हमने वाटर को कूल डाउन किया तो हमारे पास क्या हो गया, वाटर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 4 डिग्री सी पर हमारे पास वाटर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब वाटर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसका साइज हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। अब उसी 4 डिग्री सी पे हमने फर्दर वाटर को फिर क्या कर दिया, कूल डाउन कर दिया। तो जब हमने इसको कूल डाउन फर्दर कर दिया तो यहां से लेकर यहां तक कि हमने वाटर को लिया रूम टेम्परेचर पर और उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आए, तो वाटर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसने नॉर्मल बिहेवियर शो किया, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हमारे पास विद डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होते हैं, चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये तो इसने नॉर्मल बिहेवियर शो कर दिया। अब फर्दर जब हमने इसका टेम्परेचर और कम किया तो हमारे पास 4 डिग्री सी से हम 0 डिग्री सी पर जैसे पहुंचे तो हमारे पास वाटर क्या हो गया, हमारे पास वाटर एक्सपेंड हो गया। अब यहां पर इसने क्या शो किया, इसने यहां पर पिकुलर बिहेवियर शो किया। पिकुलर बिहेवियर का क्या मतलब है कि इसने चेंज बिहेवियर शो किया। चेंज बिहेवियर इसने शो किया इस तरह से कि हमारे पास चाहिए था कि ये मजीद हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बजाय क्या हो गया, ये एक्सपेंड हो गया। अब मजीद जब हम इसको कूल डाउन करेंगे तो ये हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म कर लेगा, आइस बन जाएगा हमारे पास। नॉर्मल हमारे पास क्या होता है कि 0 डिग्री सी से जब जैसे ही हम टेम्परेचर को करते हैं कि हम 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी पर हमारे पास क्या होता है कि कंट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। हम टेम्परेचर को 4 डिग्री सी तक लेकर आते हैं तो हमारे पास कंट्रैक्शन हो जाती है। 4 डिग्री सी से हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे पास एक्सपेंशन हो जाती है। 100 डिग्री सी से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लेकर आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास कंट्रैक्शन हो जाती है। लेकिन वाटर के केस में हम 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को लेकर आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वाटर एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास वाइब्रेट विद लेस एनर्जी होना शुरू हो जाते हैं। क्यों लेस एनर्जी के साथ वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास डिक्रीज होगी। 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास वाटर का मिनिमम वॉल्यूम है। मिनिमम वॉल्यूम क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास वाटर क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ इसका वॉल्यूम भी मिनिमम ही होगा। हमने पढ़ा था कि डेंसिटी हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो जितना हमारे पास वॉल्यूम कम होगा उतनी हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी हमारे पास ज्यादा होगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम वॉल्यूम है और मिनिमम वॉल्यूम की वजह से हमारे पास डेंसिटी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया और डेंसिटी हमारे पास मिनिमम हो गई। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस हमारे पास लेस डेंसर देन वाटर है, तो इसी वजह से तो आइस हमारे पास क्या करता है, फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास वाटर क्या शो करता है, अपना पिकुलर बिहेवियर शो करता है कि ड्यूरिंग फ्रीजिंग वाटर मॉलिक्यूल लूज एनर्जी एंड डू नॉट वाइब्रेट और मूव एज वेगोरसली। कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनती है तो फ्रीजिंग के साथ साथ क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास वो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। वो कम एनर्जी के वो हमारे पास वाइब्रेशन बंद कर देते हैं, वो हमारे पास इधर उधर घूमना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दिस अलाउज मोर स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू फॉर्म्स बिटवीन। तो हमारे पास इस एनर्जी के लूज करने के साथ साथ क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास मजीद स्टेबल हो जाती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास लेस एनर्जी की वजह से उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कम हो जाती है एनर्जी के, कम रिक्वायर ज्यादा रिक्वायर होती है लेकिन हमारे पास एनर्जी ऑलरेडी लूज हो गई है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हमारे पास आइस क्या हो जाती है, वो एक्सपेंड हो जाती है ऑन कूलिंग।
इस पिकुलर बिहेवियर के हमारे पास यूजेस भी हैं, इसको हम यूज कर दे हम अगर हम देख ले तो हमारे पास जो है वो फिशेज जो हमारे पास पॉन्ड में होती हैं, तो हमारे पास अगर पानी की ऊपर वाली सतह अगर हम देख लें तो हमारे पास सर्दियों में क्या हो जाती है, ये आइस बन जाती है। अगर आइस हमारे पास डेंसर होती तो ये हमारे पास क्या होती, ये हमारे पास नीचे चली जाती, तो ये हमारे पास फिर लेयर बाय लेयर क्या हो जाता कि सारा पानी हमारे पास फ्रीज अप हो जाता। लेकिन आइस हमारे पास लेस डेंसर है, तो लेस डेंसर होने की वजह से ये हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करता है, तो ऊपर हमारे पास पानी जो है वो बर्फ होता है और नीचे हमारे पास जो है फिश का पानी नॉर्मल होता है, गर्म होता है, तो इसी वजह से वहां पर हमारे पास एक्वेटिक लाइफ जो है वो सरवाइव कर सकती है। दूसरा हमारे पास जो है कि अगर हम सर्दियों में देख लें तो अगर पानी कहीं पर पाइप्स में थोड़ा बहुत रह गया है तो टेम्परेचर की कमी की वजह से वो पाइप क्या हो जाते हैं कि पानी पाइप्स के अंदर फ्रोजन हो जाता है, तो वो एक्सपेंड हो जाता है, तो एक्सपेंशन के साथ साथ हमारे पास क्या हो जाता है कि उनमें ब्रस्टिंग पैदा हो जाती है, हमारे पास वो ब्रस्ट हो जाते हैं, उनमें वेयर एंड टेयर्स आ जाते हैं। बुक में आप लोगों के पास पेज नंबर 212 एंड 213 पर ये जो टॉपिक आप लोगों के पास है एनामलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर दिया गया है, इसको एक नजर देख लें। हमारे पास है कि लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एक्सेप्ट वाटर बिटवीन 0 डिग्री एंड 4 डिग्री सेल्सियस, के तमाम लिक्विड हमारे पास एक्सपेंड होते हैं हीटिंग पर लेकिन वाटर के बगैर, के 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस हमारे पास वो क्या करते हैं बिहेवियर को शो चेंज शो करते हैं। वाटर इज अनयूजुअल इन इट्स एक्सपेंशन कैरेक्टरिस्टिक, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सी इट हीटेड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि हमारे पास 0 डिग्री सी अगर हम हीट अप कर दे 4 डिग्री सेल्सियस तक तो हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन 4 डिग्री सी के बाद वॉल्यूम हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। द पिकुलर बिहेवियर ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एनामलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर, इस चेंज बिहेवियर जो वाटर शो कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर हैज एनामलस एक्सपेंशन, और मेन रीजन हमारे पास क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टाइटली हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, कम एनर्जी हमारे पास रह जाती है, तो इसी वजह से हमारे पास ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में वाटर के दरमियान बन जाते हैं, तो इसी वजह से वाटर हमारे पास ये चेंज बिहेवियर शो करता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 4 डिग्री सी द डेंसिटी इंक्रीजेज एंड एज द टेम्परेचर फर्दर इंक्रीजेज द डेंसिटी डिक्रीजेज, 0 टू 4 डिग्री सी डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज होती है लेकिन अगर हम फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। हेंस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट्स वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर, वी कैन सी दिस व्हेन पुट आइस क्यूब्स इन द वाटर टू कूल इट आर आइसबर्ग फ्लोटिंग इन ओशन, इसी वजह से हमारे पास मैक्सिमम डेंसिटी होने की वजह से आइस हमारे पास क्या होती है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास आइस लेस डेंसर होता है देन वाटर, तो वो हमारे पास आसानी से सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट कर सकता है, इसी वजह से अगर हम पानी को ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स डालें तो वो फ्लोट करते हैं और आइसबर्ग्स इन द ओशन भी हमारे पास इसी तरह से फ्लोट करता है। दिस वॉज अवर टूडेज टॉपिक, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।